एफआईआर के मतन से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक एक्टिंग एसी और एक ऑपोजिशन पार्टी का एमपीए उसमें कितनी पावर है और असिस्टेंट कमिश्नर की क्या मैं बकुए की थोड़ी हकाइक आपको बता दूँ घर वालों को। ये खावर बशीर नामी शख्स जो कि अब ऐसी बागपत नहीं है, ओएसपी है इस टाइम, ये बेसिकली करप्ट आदमी है। बागपतन शहर का मेरा हल्का है और क्योंकि देहात भी वहाँ साथ रखते हैं तो इसने जुर्मानों की आड़ में जो एक बैकग्राउंड था एक हरासा करने का वो पूरे बागपतन में क्योस क्रिएट किया हुआ था। ये रेडी वाले के पास जाता था उसको उससे पर्चियाँ मांगता था वो नहीं देता था। एक दिहाड़ीदार बेचारा जिसकी 400-500 की दिहाड़ी है उसको ये 5,000 जुर्माना 10,000 जुर्माना ये कराता था। वो लोग मेरे पास आते थे बीवी बच्चे लेके, इसको मैंने बार बार समझाया कोशिश की, डीसी साहब को वर्बली मैंने कहा, फिर इसने मुख्य टारगेट कर लिए उसमें क्योंकि SOPs एक्ट आ गए तो वहाँ पर शादी हॉल थे मार्केट थी वहाँ से ये मछलियाँ डिमांड करने लग गया। जो मेरे जो लीवी हैं इनसे भी ऑलरेडी एक दफ़ा 1,00,000 रुपये मंथली लेके गया और उस दिन भी ये रिश्वत ही मांगने वहाँ पे आया था। तो मुझे पता लगा वहाँ पे मेरा इसका आमना सामना हुआ, मेरी से तलखी ज़रूर हुई वहाँ पे, हमारी इससे तलखी हुई। मैंने उसको बोला कि तुम रिश्वत खोर आदमी हो, इसने वहाँ पे अपना एसी होने का मुझे घोष किया और वहाँ पे इसने अपने गवर्नमेंट को बोला कि MPA को गाड़ी समेत थाने ले जाओ, इस पर कार्रवाई कराएंगे। मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हारी गाड़ी पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये मुझे वहाँ पे थाना सिटी बागपतन में ले आए, मेरी गाड़ी में ये मेरे साथ मौजूद होके आया। थाना सिटी बागपतन एक मॉडल थाना है, उसकी फुटेज निकलवाई जा सकती है। मैं मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, मीडिया फोर्स करेगा तो शायद आगे जो आला हुकाम बैठे हैं वो इस लेवल पे आ जाए। अभी तक थाने की फुटेज सामने नहीं आई जहाँ पे ये और मैं इकट्ठे थाने में एंटर होते दिखाई दे रहे हैं और हम 1.5 घंटा SHO के कमरे में उसके सामने उसकी मौजूदगी में बैठे हैं। जो ये मोहतरम कह रहे हैं कि मुझे बाजियाब कराया गया वहाँ पे, जब ये खबर फैली कि इतना रेंगा MP साहब को ले गए हैं, उनकी तलखी हुई है वहाँ पे, मुगला साहबान भी आ गए वहाँ पे, हमारे चेयरमैन बल्दिया चोरी मुजफ्फर साहब वो भी आ गए वहाँ पे, सदर गला मंडी राव फाकर साहब वो भी आ गए, वहाँ दीगर मोजीन इलाका वहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने मुझसे आके पूछा कि ये क्या मामला हुआ है तो मैंने जब उनको सारा मामला बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि मियां साहब ये तो आपकी अबडक्शन हुई है, ये तो हबस पे जाके अपने इसी शिप के जोर पे आपको लेके आया है तो इसके खिलाफ तो पर्चा आपने कटवाना है, जिस पे इसके हाथ पैर वहाँ पे कांपना शुरू हो गए। इसको अंदाजा हो गया कि लीगल पॉइंट पे मैं एक भारी गलत कदम उठा चुका हूँ। वहाँ पे सबकी मौजूदगी में इसने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने SHO को बोला कि मेरी मुदैयत में इसके खिलाफ पर्चा काटें, उस वक्त तक मैं मुदई था। इसने वहाँ पे सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी, इसने कहा जी मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दिया जाए, मैं आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा। SHO जो कि IO इस केस का IO है वो इस केस का चश्मदीद गवाह है, उसने हमारी सुलह करवाई, उसके सामने सुलह सफाई हुई और हम अपने घर वापस आ गए। वापस आने के 1.25 घंटे बाद मुझे पता लगता है कि जी मेरे पे बशमूल मेरे वालिद साहब पे अगवा की नामजद FIR हो रही है। अब मेरे वालिद साहब जो कि 4 से 5 दिन तक बागपतन में मौजूद ही ना थे, हमने उनकी जो CDR है वो निकलवाई जिसमें उनका लाहौर बैरियर टाउन होना साबित हुआ, हमने वो पुलिस को दी कि जी वो तो मौके पर ही मौजूद नहीं है। उसके बाद यानी इस हद तक प्रेशर गवर्नमेंट का, इस हद तक कि उनको बजाय बेगुनाह दिखने के उनको इन्होंने 109 में शामिल कर दिया कि जी मशवरा में ये शामिल है। उसके बाद अपना वहाँ पे आपकी जो हमारे बागपतन के साफी भाई हैं इफ्तार भट्टी साहब हैं सदर प्रेस क्लब बागपतन, वो इस मुकुए के बाद वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाके IO से सारा हुआ पूछा। IO ने उनको बताया कि जी वो उनकी जो भी उनके दरमियान वो था मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी सुलह सफाई हो चुकी है, वो अपने घर जा चुके हैं तो वो उन्होंने किया। उसके बाद मेरा पेट्रोल पंप मेरा फ्रेंड ने गए वहाँ की मलकियत है वहाँ भी गए, वो इन्होंने सील किया जो कि हमने थ्रू बोर्ड उसको हमने डी सील करवाया कि उनके कागजात हैं डी सी उन्होंने किया। उसके बाद ये मार्की सील करना चाहते थे ये पूरी को सील करने गई थी वहाँ
पहुंच गया चेक करने के लिए, ड्रग वाले वहां पहुंच गए चेक करने के लिए, टीएमए वाले वहां पहुंच गए कि नहीं देखिए बिल्डिंग में गिनती बुलाए, इस सब तक ये इंतकामी कार्रवाई पे गई। उसके बाद कमिश्नर साहिबाल साहब ने एक मीटिंग करी थी जिसमें एसी साहब को अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठा के उनके साथ में शक्कर का हाथ रखा गया भी आपने बहुत अच्छा काम किया, आप भी कहते हम भी अपने नवाब गुरु के सामने गुरु हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इनका कारोबार भी चल रही थी, नोटिस दे दिया गया मुझे जिसमें मेरी बेटों को उनका कोटा सस्पेंड कर दिया गया, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया बिना वजह के जवाब बना के, और जो कि कोटा आज तक सस्पेंड है, लाइसेंस इन्होंने तो एक हफ्ता पहले बहाल किया लेकिन वो भी ऑफ नो यूज, ना मुझे गंदम परचेज करने दे रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, मेरे बिलों में उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस हद तक ये गवर्नमेंट जो है अपनी इंतजामिया जो है इंतकामी कार्रवाइयों को लेके इस हद तक ये गिरे हुए हैं। अच्छा, उसमें जो एक और मेन चीज मैं बताऊँ, हमारा एक केस चल रहा था एक्सपोर्ट का जिसमें फूड डिपार्टमेंट का सब इन्वॉल्व थे, तो उस केस को डिसाइड अभी होना था। बैंक अल्फला हम भी बैंक अल्फला के क्लाइंट हैं और फूड डिपार्टमेंट में जा ये भी बैंक अल्फला क्लाइंट है। एक्सपोर्ट हमने की थी उसका प्रोसीजर होता है, वो इंटरनल प्रोसीजर होता है बिटवीन फूड डिपार्टमेंट एंड कस्टम डिपार्टमेंट। हम एक्सपोर्ट करके डॉक्यूमेंट फूड डिपार्टमेंट को जमा करा देते हैं, ये अपने इंटरनल तरीके से उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन जो बैंक गारंटी उन्होंने हमसे ली होती है उसको रिलीज करते हैं। हमने खैर वो एक्सपोर्ट की जो डॉक्यूमेंट दिए इन्होंने अपने तरीके से उसकी वेरिफिकेशन करवाई, वेरिफिकेशन करवा के बैंक गारंटी हमें रिलीज कर दी। उसके बाद एक इशू बने, वो अलहदा मामला जो चल रहे थे, इन्होंने क्या किया क्योंकि बैंक गारंटी भी हमें रिलीज कर चुके थे, इन्होंने क्या किया कि फूड डिपार्टमेंट से जो इन्होंने लोन लिया हुआ था कंज्यूम परचेज करने का वो करें। मैं समझता हूं कि इसकी बदतरीन मिसाल इस केस के अलावा कहीं नहीं मिलती। तो मैं बस ये कुछ हकायक थे जो आपके सामने ब्रीफली रखने थे कि ये सारा वक्त था और इस तरीके से तोड़ मरोड़ के इनको पेश किया गया। यहाँ पे मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो लाहौर हाईकोर्ट की है, ये भी लाहौर हाईकोर्ट की तस्वीरें हैं कि बहुत बड़ा दहशतगर्द जिसने तो पता नहीं कितने बारूदी धमाके किए उसको पकड़ने के लिए पुलिस वहाँ पे जाती है, ये वहाँ की है। ये भी अपना ये बात करते कचहरी की तस्वीरें हैं, ये भी मुलाजमपुर में कि चारों तरफ से कचहरी को घेरे में लिया होता था कि जहाँ पता नहीं वहाँ पे जंग होनी है। तो ये बस आपको कुछ ग्राउंड रियलिटीज थी जो कि मैं बताना चाहता था कि ये घिनौना चेहरा है हुकूमत का, हुक्मरानों का, डिलीवर इनसे कुछ किया नहीं जा रहा, पकड़ लो पकड़ धकड़ लो, ये कर लो वो कर लो। तो ये आपने हमने कुछ टाइप किया।